बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में एक बार फिर डवाडोल सरकार की आशंका नजर आ रही है। मुल्क में हुए चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियां पीएमएलएन और पीपीपी की हालत खराब है। ये दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर नजर आ रही हैं। यही नहीं, दोनों पार्टियों की जीती हुई सीटें अगर मिला भी दे तो ये पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी 134 सीट हासिल करती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आवाम ने पूर्व कप्तान यानी कि पूर्व पीएम इमरान खान के नाम पर भरोसा जताया है। इमरान के नाम पर इस चुनाव में उतरे निर्दलीय को अच्छी खासी कामयाबी मिली है, लेकिन बता दें इन निर्दलियों का कोई नेता नहीं है। चुनाव परिणामों की ओर देखें तो इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक उन्हें 100 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन को 71 सीटें मिली हैं, जबकि प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें मिली। अभी तक चुनाव हुए 264 में से 236 सीटों के नतीजे सामने आए। पाकिस्तान की सत्ता को लेकर पूरी रात मुल्क में गहमा गहमी का दौर जारी रहा, तो वहीं लगातार अहम बैठकें भी चलती रही। बताया जा रहा है कि पीपीपी प्रमुख बिलावल पूर्व राष्ट्रपति जरदारी चुनाव के बाद महत्वपूर्ण बैठक के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। वहीं इमरान खान का दावा है कि पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। नवाज शरीफ ने पूर्वी शहर लाहौर में अपने घर के बाहर एकत्र समर्थकों की भीड़ से कहा, चुनाव के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस देश को भंवर से बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, जिसे भी जनादेश मिला है, चाहे वह निर्दलीय हो या पार्टियां, हम उन्हें मिले जनादेश का सम्मान करते हैं। हम उन्हें हमारे साथ बैठने और इस घायल राष्ट्र को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी के साथ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी ने एआई का उपयोग करके बनाया गया एक ऑडियो विजुअल संदेश जारी किया है, अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। संदेश में 71 वर्षीय खान ने जीत के लिए शरीफ के दावे को खारिज कर दिया है, अपने समर्थकों को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी और उनसे जश्न मनाने और अपने वोट की रक्षा करने का आग्रह किया। बता दें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह बैठ चुनाव आयोग ने छीन लिया था। इमरान खान भी जेल में बंद है, उन्हें कई मामलों में दोषी पाया गया है। आपको बता दें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटों पर चुनाव हुए हैं, हालांकि इनमें से सिर्फ 266 सीटों पर ही चुनाव के जरिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। दरअसल असेंबली की 70 सीटें आरक्षित है, इनमें से 60 महिलाओं के लिए जबकि 10 गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित है। चुनाव जीतने वाली पार्टियों ने अनुपात के आधार पर ये सीटें आवंटित की है। बता दें पाकिस्तान की फौज इमरान खान को पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में भारत के इस पड़ोसी मुल्क में किसकी सरकार बनेगी ये बताना मुश्किल लग रहा है। यहाँ अगर किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो कितनी टिकाऊ होगी ये बताना और भी मुश्किल है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सियासत कौन सा नया रुख लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज़।